वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग दीन दुनी के पातशाह वड्डे दरबार सचे तख्त के मालक जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जिया के पावन दरबार हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, सच्चे पातशाह जी की कृपा के नाल संगत दियां घड़ियां बख्शिश होंदियां हन, सफलियां होंदियां हन। सतगुरां दा दर्शन कीतिया, सतगुरां दा कीर्तन सुनिया, सतगुरु जी की सिख्या धारण कीतिया। महाराज बाणी विच आखदे हन, सानू हर रोज ये सुभाग समा मिलता है कि असी अपने आप को वेख सकीए। हर रोज़ एक रिमाइंडर सानू सतगुरु की बाणी विचों मिलता है, भई प्रापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। सानू हर रोज़ एक ऑपरचुनिटी मिलती है, पर थोड़ी अते वड़े भागे होंदे ने जिहड़े इस ऑपरचुनिटी नूं सक्सैस दे विच कन्वर्ट करन दे वास्ते सतगुरु जी दे शब्द दे नाल जुड़ जांदे हन। बाणी दे विच बचन आउंदा है, जानवरां की दुनिया तों गुनाह होवे इह गल समझ विच आउंदी है, क्योंकि उहनां दे कोले विवेकता नहीं, उहनां कोले शब्द नहीं, उहनां कोले सिख्या नहीं। उहनां दा असोच होना, विवेकहीन होना कुदरती है। बाणी का वचन है त्रिगन त्रिगद जोन अचेत, जिहड़ियां टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां हन, त्रिगद जोन अचेत, उन्हां कोले समझ नहीं। संभव पुन पाप असोच, उन्हां कोले सोच भी नहीं। इस करके संभव है कि उन्हां दे कोले पुन पाप कुदरती तौर के उपर होएगा। मनुखा अवतार दुर्लभ, महाराज कहते, पर जिहड़ा मनुखा जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है। तेही संगत पोच, पर देखो तो सही 84 लाख जूनी का सरदार होवे, विवेक दे वास्ते दिमाग होवे, सिख्या दे वास्ते शब्द होवे, जीवन जीउण दा ढंग सिखण सिखाउण दे वास्ते धरती धर्मसाल का सरदार होवे, फिर भी इहदी संगत भैड़ियां दे नाल भैड़ी मत दे नाल संगत करदा। गुरु कोले आ के भी गुरमत की थां ते मनमत ते दुरमत दा धारनी हो जांदा। जदों ये कहानी साडी जिंदगी दे विच वापर रही होवे तां सानू हर रोज़ अपने आप नू वेखण दी लोड़ है। वाकई किते ऐसा तां नहीं करतूत पशु की मानस जात, कि सच्ची गल ऐसी तो नहीं जो बाणी विच लिखी है कि वह मैं समझदा किसी होर वास्ते होए, पर है तो मेरे ते धुक रही। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कथन है, जोत करके असी सारे परमेश्वर दे उसे रचना दे रचे हुए उहदी किरत हां, पर अपने गुण ऐब दोष सुभा किरत दे करके कोई सियाणा है कोई मूर्ख है। भाई गुरदास जी कुछ उदाहरणां दे के एक गल आखदे ने, कहिंदे सियाणे बंदे दे नाल भीख मंग लिया जे मूर्ख दे नाल कदे राज भी ना करियो। फिर दोहरा देवां, भाई गुरदास जी का कथन है, उन्होंने उदाहरणां दित्तियां ने, उदाहरणां दे के अखीरलियां पंक्तियां दे बचन मैं आप जी नूं सुना देवां। नाल सियाणे भली भिख, भिख कहिंदे भिखिया मंगणी, सियाणे बंदे की संगत दे विच भीख भी मंगणी पवे ते कहिंदे तां भी पार उतारा है, क्योंकि तुसीं सियाणे की संगत कर रहे हो। मूर्ख राजों राज न सरिया, पर मूर्ख की संगत दे विच राज भी मिल जावे ते उस राज ने भी साडा कुछ नहीं संवारना। फिर अगे महाराज की बाणी के विचों सिख्या उपदेश लईए। इस करके सतगुरां ने यह साडे लई बचन दृढ़ किए हैं,
ठीक है भाई, तू जूनी है, सरदार है, मनुखा जीवन दे विच है, पर देख तेरे कर्म भी ओही तां नहीं जो पशु जूनदे हन। इस करके भाई गुरदास जी कथन करते ने, मेखी होए विगाड़े खरिया, आप भी वो बिगड़िया होया है ते दूजिया नूं भी, सच्चिया नूं खरिया नूं भी विगाड़ देगा। इस करके कहिंदे सियाणे दी संगत करियो, भावें भीख मंगनी पवे, मूर्ख दी संगत ना करियो, उहदा राज भी तुहाडा कुछ नहीं संवार सकदा। जदों महाराज इन्नी गहराई दे नाल कोई गल सिख नूं दस रहे होण कि गुरु की संगत कर, संगत विच तेरा उधार होएगा, प्रभु की शरण सगल पह लाखे दुख बिनसे सुख पाया, इसे करके दृढ़ करवा रहे हैं कि इस संगत विच आ। सत संगत कैसी जानी है, जिथै एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जीव। तो सानू फिर सिखिया से दे दिती है नाम जपन की असीस, जो आप जी सुखमी साहब की लड़ीवार विचार दे विचों ये वचन सुनते आ रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जिया ने बख्शिश की है, जो पिछले हफ्ते आप जिया ने वचन सरवण किए, उन्होंने संखेप तत्सार सारी सृष्टि कायनात परमेश्वर की साजना, पर सभना दे विचों प्रधान पुरख कौन है, इहो ही इस शब्दां दा तत् भाव केंद्री भाव जो पिछले हफ्ते आप जी ने सरवण किया। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। पर यह असी विचारना है, असी साध संगत कर रहे हैं, सतगुरु की संगत कर रहे हाँ, साडा अभिमान मिट रहा है कि नहीं मिट रहा, यह अपने आप नूं वेखना। क्योंकि जिथे जाके नाम जपया जाना, जिस अवस्था दे विच नाम प्राप्त होना है, वह अवस्था मान अभिमान तो उपर है, उत्थे हर प्रकार के हंकार तो मुक्त होना पैंदा है, निम्रता दे घर आना पैंदा है, भांडा भाओ इत्थों तक पहुंचना है कि निम्रता ते प्रेम प्रेम का भांडा साडा दिल होवे, अमृत तित ढाल, अमृत उहदे विच तां पैणा। जे असी गुरु कोले बैठ के भी अपने मन का भांडा मूधा कर रखिया, इहदे च अमृत की एक बूंद तक नहीं पैनी। ऊंदा भांडा कछ ना समावे, सीधा अमृत परे निहार। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी सेध दे रहे हैं, उपदेश दृढ़ करवा रहे हैं, ताकि साडा भला होवे, साडे भले के वास्ते महाराज जी ने बचन उचारण किए। अज की अष्टपदी के इस पले के निर्धन कौ धन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल घटा कौ देवो दान। जिहड़ा क्योंकि साडी सुरत के निमाणा निथावा निर्धन उही है, जिहड़ा साडे मुकाबले जिहदे कोले पैसा घट है, साडे मुकाबले जिहदे कोले ताकत घट है। महाराज आखदे है जिहड़ा भी निमाणा है, निताणा है, निथावा है, निरधन है, उहदे वास्ते सब तों वड्डी दात ते शक्ति परमेश्वर दा नाम है। जे हुण किसे कोले नाम है, उहदे मुकाबले ते साडी शक्ति, साडी समर्था, साडी दौलत, साडे अहुदे कुछ भी नहीं, क्योंकि महिमा नाम दी है। जे किसी को नाम है और कुछ भी नहीं, पर दूजे पासे जे किसी को नाम नहीं बाकी सब कुछ है, गुरु घर के विच कौन प्रवान होएगा। यह सिख के सोचन का विषय है, गुरु को प्रवान होने वास्ते निम्रता चाहिए है। यह भी मैं बेनती कर देवा, गुरु अगे झुकना निम्रता होंगी है, जालम अगे झुकना कायरता होंगी है। गुरु साहब इसे करके सानू उस अवस्था चक लैके जाना चाहते हैं, जिस अवस्था के विच पै काहू को देत नह नह पै मानत आन। इस करके गुरु का कहा हुआ सुनना है,
सतगुरु की आखते हैं महाराज कह रहे ने ठीक है जे किसी को धन नहीं होते वास्ते सब तो वड्डा धन की है नाम धन जे किसी को संसार दे विच सिर लुकाउण नूं छत थां नहीं है पर उहदे वास्ते थां टिकाणा नाम है जे किसी कोले कोई माण कोई ताकत नहीं है उहदे कोले माण ते ताकत नाम है पर की उहनां दे वास्ते ही है महाराज आखदे नहीं दाता तो सभना दा है निमाणियां नूं माण दिंदा है निताणियां दा ताण है निथाविआं दी थां है निरधनां दे वास्ते उह धन दौलत है पर दान तो सभना नूं दिंदा है पंक्ति गुरु अर्जुन साहब महाराज जीआं दी सगल घटां कौ देवो दान क्योंकि तू करता है तू सारी सृष्टि दा रचनहार है करन करावन हार स्वामी सगल घटां के अंतर जामी ऐ परमेश्वर जीओ तुसी सभना दे करते हो इस करके सभना दे हिरदे वस रहे हो सभना दे दिल दी जानदे हो अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुहाडी गत तुहाडी अवस्था की है तुहाडी ताकत की है परमेश्वर जी तुसी आप ही जानते हो तुहाडी मित भाव तुहाडी मर्यादा तुहाडी होंद तुहाडा औदा तुहाडा संसार दे विच वजूद वो भी तुसी आप जानते हो तुसी आप ही जानते हो इत्थे आके सिख समर्पण करता है मैनू कुछ नहीं पता तुसी ही जानदे जदों सिख दे विच इह समर्पण ते निम्रता आउंदी है उदों सिख तों फिर सतगुरु जी परमेश्वर दी उस्तत करवाउंदे ने तुमरी उस्तत तुमते होए ऐ परमेश्वर तेरी उस्तत तेरे तों ही हो सकदी है असीं भावें गाउंदे हां गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाने निसान गावै को गुण वडियाईआं चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे सारे गा रहे ने सोधन दी पौड़ी दे विच सारे ही तैनू गा रहे ने पर तेरी उस्तत तू आप ही जानदा साडे वास्ते उपदेश की है उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार मन का काम सिर्फ उस्तत करना नहीं है सत व्यवहार कमाना भी है सच्चा सच्चा जीवन बनाना भी है मन एक काम कर रहा होवे उस्तत कर रहा होवे पर उस समय जे सत व्यवहार का अभिलाषी नहीं है सत व्यवहार वाले पासे नहीं तुर रहा अधूरा कारज है क्योंकि महाराज की पंक्ति संपूर्ण है उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार सच्चा सच्चा व्यवहार यह साडे जीवन दे विच आ जावे ना आउणा साडे जीवन दे विच है प्रगट यह समाज दे विच होना है सच्चा सच्चा जीवन अपनाउणा असीं है प्रगट संसार दे विच समाज दे विच होएगा महाराज जिया दे वचन तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जानस कोई कोई दूजा तुहाडी उस्तत किवें कीती जावे नहीं जानता सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म इस अष्टपदी का अखीरला पद सारे धर्मां दे विचों श्रेष्ठ धर्म केड़ा है असीं सिख धर्म च पैदा होए हैं सिख धर्म दे पैरोकार हाँ असीं आखांगे सिख धर्म सब तो न्यारा धर्म सब तो वड्डा धर्म सब तो चंगा धर्म कोई दो राय नहीं कोई शंका नहीं क्योंकि सिख धर्म गुरु नानक महाराज जी का धर्म है साडे वास्ते जे असी सिर्फ ते सिर्फ मनुखता नूं मुख रख के फिर एक धर्म की गल करिए फिर किहड़ा धर्म सब तो श्रेष्ठ है महाराज उत्थे वचन बाणी दे सतगुरु आखदे ने बल्यो चराग अंधियार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म नाम धर्म सब तो श्रेष्ठ धर्म केड़ा है गुरु अर्जन साहब महाराज दस रहे ने सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म
ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਪਾਪ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਉੱਦਮ ਮਹਿ ਉੱਦਮ ਭਲਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਗਲ ਉੱਦਮ ਮਹਿ ਉੱਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਪਰਮਗਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਲਨ ਬੁਝੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉੱਦਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈ ਧੂਰ ਮੁੱਖ ਲਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਥਾਨ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਈਏ, ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਭਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਸ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਰਾ ਜੇਦਨ ਚੇਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।